देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के मतों में बहुत मामूली फर्क है, और जो सबसे बड़ा फर्क मुझे दिख रहा है वो नोटा की वजह से दिख रहा है। 2% लोगों ने नोटा दबाया हुआ है, लगभग 0.8% लोगों ने दबाया है नोटा हिमाचल के अंदर जी। लेकिन गुजरात के अंदर नोटा इतनी बड़ी मात्रा में, ये बात समझ में नहीं आती है जी। अभी हमारे साथी एक्सपर्ट कह रहे थे कि शायद ये व्यापारियों ने दबाया होगा। जिस किसी ने भी दबाया हो, 2% बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर 2% व्यक्ति आपके वोट देना नहीं चाहते, बूथ तक जाते हैं और ये कहते हैं वोट नहीं देंगे, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस पे देश को भी सोचना चाहिए और गुजरात की सरकार को भी सोचना चाहिए और भारत की जो राजनीति के नियंत्रक लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए। अगर ये ऐसी स्थिति है तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। किसी देश में 2% लोग मतदान बूथ तक जाके कहें कि हम मतदान नहीं करेंगे, ये छोटी बात नहीं है। इसलिए बहुत समझदारी के साथ सरकार को इस पर सोच के कुछ तय करना चाहिए। जहां तक रुझानों का सवाल है, बीजेपी का मत प्रतिशत बढ़ा है, बीजेपी के पास करीब 46% वोट मिले हैं जी। 48% के आसपास कांग्रेस और गठबंधन को मिला है, तो मत प्रतिशत उनका करीब 6-7% बढ़ गया है। लेकिन बावजूद इसके अगर आप चुनाव हार रहे हैं तो आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे गलती हो गई। और कांग्रेस ने भी ईगो छोड़ा है जी। कांग्रेस के पास भी अकड़ बहुत थी, जो अकड़ अभी धीरे धीरे बीजेपी में आनी शुरू हुई है वो अकड़ तो कांग्रेस के अंदर थी, और इसी अकड़ की वजह से वो चुनाव हारे थे। लेकिन अभी उनकी अकड़ उन्होंने छोड़ी, बाकी लोगों से बातचीत किया, हाथ मिलाया, झुक के बात किया। और मुझे बताऊं सबसे बड़ा संकेत चुनाव में क्या मिलता है जी। जब चुनाव के 6 महीने बाकी हों और आपके राज्यसभा चुनाव में आप MLA तोड़ नहीं पाए अपोजिशन पार्टी के आश्वासन के बावजूद कि आप टिकट देंगे उनको, इसका मतलब ये है कि MLA ये मानते हैं कि हमारा भविष्य बीजेपी के अंदर नहीं था और इसीलिए उन्होंने बीजेपी के साथ नहीं जाने का फैसला किया गुजरात के अंदर। अभी अलग बात है कि देश पूरा बाकी देश में बीजेपी की सरकार चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, बाकी परिणाम क्या आएगा वो तो सामने दिखेगा कुछ दिनों के बाद। लेकिन अभी ये वक्त है कि जनता को साथ लेके चलने का, जनता से पूछ के फैसले लागू करने का, जनता की मर्जी के खिलाफ नहीं जाने का। आप देखिए जो परिणाम अभी आ रहा है, इस समय 103 सीटों पे आपको कांग्रेस आगे दिख रही है गुजरात के अंदर, और 86 सीटों पे आगे चल रही थी पहले बीजेपी, अब वो नीचे आकर के हो गई है अभी 81 पे जी। और कांग्रेस भी पीछे हो गई, 101 पे आ गई। अब ये जो स्थिति है ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी बीजेपी के, क्योंकि मोदी जी पे हमला होगा अभी जी, अमित शाह जी पे हमला होगा। और मोदी जी पे हमला इसलिए हो सकता है कि आप गुजरात के प्रमुख चुनाव प्रचारक थे, लेकिन सीधी सी बात है जितनी भी वोट मिले हैं इनको इसके कम से कम आधे के जिम्मेदार मोदी जी हैं, अगर नहीं जाते तो क्या हालत होती, ये सोचने की बात है।